इसराइल और हमास के बीच युद्ध को आज 35 दिन हो गए हैं। इजरायली सेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि युद्ध के चलते गाजा में हालत काफी खराब होते जा रहे हैं और गाजा में स्थिति ऐसी है कि यहां लोगों को घंटों तक खाने और शुद्ध पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक महीने से जारी युद्ध के कारण गाजा में रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमलों में घर तबाह होने से लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। लोगों को खाना पीना मुहैया कराने के लिए कैंप भी लगाए गए हैं, लेकिन यहां लोग इतने बेबस और लाचार हैं कि उन्हें घंटों तक लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। यही नहीं, शेल्टर होम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। और बता दें कि 5 लाख से अधिक विस्थापित लोग गाजा के दक्षिण में स्थित अस्पतालों और संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों में बने शेल्टर होम में रह रहे हैं। ये शेल्टर होम पूरी तरह से भर चुके हैं और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसराइल के हमले के बाद फिलिस्तीनियों के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने आई है। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के सहायता कर्ता यूसुफ हम्माश ने कहा कि जिस भी शेल्टर होम या स्कूलों में आप अगर जाएंगे तो वहां लोगों के चेहरे पर युद्ध का दर्द देखने को मिल जाएगा। गाजा में हमलों से सुपरमार्केट पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। आटे की कमी के कारण बेकरियां बंद हो गई हैं। गाजा की अधिकांश भूमि कृषि के योग्य नहीं बची है और प्याज और संतरे के अलावा अन्य सामान बाजारों से गायब हो गए हैं। इसमें देखना ये होगा कि खाने और पानी के लिए तरसे लोगों को सरकार कैसे मदद मुहैया कराते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए समय डिजिटल।